मांगने की बात कर रहे हैं बाबा, तो हमारा फर्ज था बाबा कुटिया की साफ सफाई करना, आपकी सेवा करना, इसमें मंगन मांगने की क्या बात है बाबा। बच्चा तेरा गाना उचित रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तुम मुझसे कुछ ले लो, ताकि तब तक इस पृथ्वी पर रहोगे तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी चीज की परेशानी नहीं होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझसे तुम कुछ ले लो। क्या बाबा आप कह रहे हो बेटा कुछ मंगल मांग लो? क्या बाबा मैं जो मांगूंगा वो आप मुझे दे देंगे? हाँ बच्चा नारायण कुमार, जो भी कुछ मांगोगे मैं तुझे दे दूंगा। मांगो, क्या मांगना चाहते हो बाबा? क्या है? हम ना बोलत है तो हरिचेलवा का आत्मा बोलत थिया। अच्छा, तो के गलत फहमी होता तू वचन बात हो थोड़ा कौन थोड़ा के जो मांगना है मांग लो, वो का नया खून है अब मैं हरारू मांगी तो ही तही में देगा। बच्चा नारायण कुमार, जो तेरे दिल में अरमान है, इच्छा है, मांगो। क्या बाबा मैं जो मांगूंगा तो आप मुझे दे देंगे? हाँ बच्चा नारायण कुमार, जो भी कुछ मांगो वो मिल जाएगा, मांगो। क्या मांगना चाहते हो बाबा? अगर देना ही है तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए मैं जिसे राजा देवभद्र की आंखें ठीक कर सकूं। क्या मारते हलस तो अकेला कवा हवा मारते हलस ना बचन बद होबार तू साधु का हित बना। क्या बचा है तुम्हारे? तूने क्या मांग लिया? कोई राजा है उसकी आंख खराब है, उसकी आंख को ठीक करने के लिए कह रहे हो? मेरे बस की बात नहीं है कि हर राजा की आंख ठीक हो, बच्चा और राजा की आंख कभी ठीक नहीं होने वाली है, ना संसार में कोई ठीक कर सकता है। तुम अपने लिए कुछ मांगना है तो मांगो, और राजा की बात को छोड़ो, राजा से तुम्हें क्या लेना देना है, तुम मांगो अपने लिए मांगो। क्या होगा? अरे मैं तो समझता था क्या तो साधु के देश में भगवान है, अरे नहीं तुम्हें आपको कुछ बच्चा नारायण कुमार, तुमने तो मेरे पर बहुत कुछ कह करके जा रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं हूँ, उतना ही खुश हूँ बच्चा। आओ तुम मेरे पास, मैं तुम्हें अपने हाथ से नाराज होकर नहीं जाने दूंगा बच्चा। आओ जा जा पापा खुश हम तो होके दी है कहो बाबा। देखा तो खा दे ना बच्चा नारायण कुमार, ये लो मुद्रिका, इसको संभाल करके रखना। हाँ ले ला अंगूठी ले ला, समंजन यहाँ की बाबा खिचड़ी पर देते बाबा। ये मुद्रिका आप मुझे दे रहे हैं, ये मुद्रिका के अंदर कोई गुण तो होगा बाबा? हाँ बच्चा, मुद्रिका के अंदर वो गुण है बच्चा, जब तक तेरे साथ हम मुद्रिका रहेगी तो सोचो तुम इस दुनिया में हमेशा हमेशा बरकरार रहोगे, यदि वो मुद्रिका खो गई तो तुम इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे, इस दुनिया में नहीं रह पाओगे बच्चा, नहीं रह पाओगे। क्या बाबा ये मुद्रिका खो जाएगी तो मैं इस दुनिया से खो जाऊंगा? हाँ बच्चा ठीक है बाबा, इस मुद्रिका को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा बाबा। लेकिन बच्चा नारायण कुमार,
हाँ बाबा। वो राजा की आंख को ठीक करने के लिए कह रहे हो ना? हाँ बाबा। तो जो मैं बात कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, कि राजा की आंख कैसे ठीक हो सकती है। बच्चा नयन कुमार, यहाँ से कुछ दूर जाओगे तो एक जापानी जादूगर रहता है, और उस जापानी जादूगर की एक छोटी सी मयावी बगिया है, और उस मयावी बगिया में बच्चा एक ही पेड़ है जो बारहों मास एक ही फूल खिला रहता है। यदि उस फूल को तोड़कर लाकर राजा की आंख में लगा दोगे तो राजा की आंख ज्योतिमय हो जाएगी बच्चा। ठीक है बाबा, लेकिन जाने का रास्ता बताइए बाबा। बच्चा नयन कुमार, यही तो कठिन की बात है, उस बाग में जाना इतना आसान नहीं है। जो भी कोई इंसान जाता है उस बगिया के अंदर माया की नींद आती है, और माया की नींद में सो जाता है। जब जापानी जादूगर को मालूम होता है, वो आता है अपने बगिया के अंदर, उसे देखता है तो उसे ले जाकर के जिंदी चक्की में पीस देता है बच्चा। ठीक है बाबा। लेकिन बच्चा नयन कुमार, जब तक तेरे साथ हम मित्रता रहेंगे तो सोचो इस दुनिया में कोई माई का लाल तेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन तुम हमेशा उस मुद्रिका के ऊपर ध्यान देते रहना, और ध्यान देते हुए तुम हंसी खुशी के साथ उस बगिया के अंदर जाओ। या ख्याल से जे यांग ठीक है, नहीं तो बार माटी लग गई। कि गुरु चरण मिले ला बड़ी, अरे भाग देखे उस मायावी बगिया की रखवाले करते हुए वो जापानी जादूगर उस बाग में घूम रहा है। आगे होता है क्या?